हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजन पर। मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, आज जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि टायर्स के अंदर जो है TPMS कैसे सेट होता है। और मैं आज आया हूं JK टायर्स, स्टैंडर्ड टायर्स है यहां पे शिवाजी नगर पे। वहां पे आप भी इंस्टॉलेशन वगैरह करवा सकते हो। टायर का पूरा जैसे गोदाम वगैरह इनके पास है और मैं पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूं। 500 के अंदर जो है मैं TPMS करवाऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कितने का ये TPMS मेरे पड़ेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 500 के अंदर मेरा जो है ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल TPMS इंस्टॉल करवा रहा हूँ जो टायर के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल वाले में क्या होता है, ऊपर से जो है नट लगा जाता है, उसको एक किट के थ्रू ओपन या क्लोज किया जाता है। इंटरनल होता है उसमें कुछ नहीं करना होता, आप जैसे नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हो वैसे कर सकते हो। तो इसमें क्या है, TPMS इंस्टॉल कराएंगे। देखो चारों में कराएंगे तो लंबा प्रोसेस है होगा, बट वीडियो के अंदर मैं आपको एक का दिखा दूंगा, वैसे ही चारों को होगा। उसके बाद में आपको इसको एप्लीकेशन से जो है ट्रैक कर सकते हो कि कैसे कैसे जो है आप अपना TPMS जो है कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। साथ में इसके अंदर क्या होता है, जैसे TPMS वगैरह इंस्टॉल करते हैं, अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह सारा कुछ है इसके साथ में करके देंगे। तो अगर आपको भी करवाना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको इनके डिटेल वगैरह दे दूंगा और आपको डील अच्छी मिल जाएगी। कितने का पड़ेगा, क्या कुछ है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। इसको देख ले सकते हो आप कैसे ये अपना चारों टायर ओपन करेंगे, चारों टायर ओपन करके 500 को, और टायर भी साथ में रोटेशन हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से चेक केयर करके इसको जो है इंस्टॉलेशन करवाना होता है। तो अभी जो है अपना टायर वायर ओपन हो रहे हैं, तो ये टायर ओपन होके इसके ऊपर नंबरिंग वगैरह कर दी जाएगी ताकि जब TPMS या इसकी ऐप इंस्टॉल हो तो उसमें प्रॉपर पता चल सके कौन से टायर के अंदर कौन सा अपना जो है सेंसर लगा है। क्योंकि सेंसर लगते टाइम कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है जितना मुझे पता है, तो उसको हिसाब से नंबरिंग वगैरह करेंगे। साथ में टायर का रोटेशन वगैरह भी हम जो है इसके अंदर करवा लेंगे। तो टायर इधर वाला इधर, ये कॉर्नर जो है ना, इसको ऐसे नहीं कि इसको इससे कर दिया इसको इससे कर दिया, उल्टा भी करवाना होता है। तो इसको उस साइड में भी करना है, इसके मतलब अंदर वाला जो पार्ट है ना ये बाहर की तरफ भी आना चाहिए। तो इस हिसाब से रोटेशन करवाने की कोशिश करते हैं ताकि टायर जो है प्रॉपर तरीके से घसे। और साथ में मेरे जो ये स्टेपनी है ना इसको भी यूज़ करूँगा। अभी जैसे है ना ये स्टेपनी लगी हुई नहीं, तो हर 10 के स्टेपनी को भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, स्टेपनी भी यूज़ होती रहेगी। तो चलिए अभी जो टायर वायर ओपन कर देते हैं, फिर इसके बाद में हम देखते हैं क्या प्रोसेस अपना होता है। ये देखो, ये इस टाइप के छोटे छोटे सेंसर आते हैं, एक एक सिंगल सेंसर आते हैं। ये जो है ना अपना सेंसर देख रहे हो आप, ये है इसके अंदर सेफ स्मार्ट स्टोर करके, ये इंटरनल है। और इसमें टायर प्रेशर अलर्ट भी आता है, सुपर फास्ट लीक डिटेक्शन का भी आपको जो है इसके अंदर मैसेज मिल जाता है। और इसके ऊपर इधर प्राइस देखोगे ना आप, तो इसके अंदर 1800 रुपये इसका प्राइस है। तो फाइनल प्राइस कितने का आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देख रहे हो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये अलग कुछ ऐसा कुछ सिस्टम आपको जो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर सेंसर कुछ इस टाइप से अपना जो है सेंसर आता है, और हर सेंसर के साथ में इसकी एक जो है देखो, ये कुछ ऐसा सेंसर आता है। इसको जो है सेंसर को लगाते हैं यहाँ पे टायर के अंदर, और ये जो है स्कैन होता है कि किस साइड में किस लोकेशन पे ये स्कैन होता है। अब ये देख रहे हो ऐसे जो है इसके टायर की हवा जो है निकाल दी जाती है। ऐसे चारों टायरों की हवा निकाल के इसको टायर को बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं एक ही टायर का आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये करते हैं, और बाकी का आप देख लेना कैसे होता है, क्योंकि सेम ही प्रोसेस होता है। हवा निकाल के इसको टायर को इस रिम से अलग कर दिया जाता है। एक बार मैं इधर जाके करके इस टायर को बाहर निकाल दिया जाएगा अपने रिम से। ये भैया किसी पास टाटा की, ये देख लो टाटा के अंदर। तो देखो हमने सारे जो इसके रिम से टायर हटा दिया अलॉय से। अब जो है देखो ये वाला जो आता है ना अपना, ये वाली जो पिन आती है इसको कट करेंगे, यहाँ से कट करेगा भाई, और कट करके इसके अंदर जो अपना सेंसर लगेगा, और सेंसर जो लगेगा उसकी मार्किंग कर दी जाएंगी ये कौन सी जगह पे जाएगा टायर, कौन सी लोकेशन पे जाएगा, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। तो इस हिसाब से जो है अपना वो रहा ऊपर वाला खुला,
देखो ये सेंसर होता है, मैंने आपको दिखाया ना, देख लो ये सेंसर होता है, इसके अंदर ये नट होता है, इसको जो है आप इसके अंदर आप जो लगा सकते हो। इसके अंदर स्टील का भी वो कुछ आता है ना, वो लीक कर जाता है इसमें प्रॉब्लम, स्टील वाला लीक कर जाता है ऐसा। अच्छा तो ये वाला जो है अभी देखो ऐसे जो है इसको तैयार कर दिया जाएगा। और इसकी जो है ना कितने 5 साल की वारंटी होती है, 5 साल की वारंटी होती है इसकी। और अगर बैटरी वगैरह और ख़त्म हो जाए तो इसका सीधा सा ऑप्शन है रिप्लेस करना इसको। ऐसा नहीं है कि बैटरी ख़त्म हो गई और हो गई तो आप जो है इसको बैटरी चेंज कर दोगे और कर दोगे, इसको डायरेक्ट जो है अपना रिप्लेस ही ये पूरा होता है। तो 5 साल की वारंटी है, 5 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो एकदम ऐसे पूरा टाइट आता है जैसे कंपनी की तरफ से आता है ना फिटिंग, देख रहे हो, देख रहे हो ये एकदम सेट हो गया। इससे लीक वगैरह नहीं होता ना अभी, ये रबड़ का है, रबड़ का तो है वो तो ठीक है। अच्छा एक इसमें स्टील भी आता है जो लीक हो जाता है। और अब जो है इसको सेंसर को इस हिसाब से इसके अंदर लगा दिया जाएगा। ये नट है तो ये टायर के अंदर ही रहेगा जब तक आपका टायर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही सलामत रहेगा। इसलिए मैंने 500 में लगवाया है ताकि अगर कल को चेंज हो और हो कुछ करना हो तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, टायर चेंज हो तो भी अपना सेम रह जाए, क्योंकि इसके टायर की साइज भी सबके सेम ही है। वो एक अलग बात है, इसके अंदर जो अपना अलॉय नहीं मिलता, बाकी टायर के साइज सबके सेम है तो हम स्टेपनी भी यूज़ करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, प्रॉपर जो ब्रोकर जो है अपना बताता रहेगा। ये हो गया ना टाइट, हाँ ये हो गया इसकी ये टेप, इसको लगा दो आप, इसको आप टायर चढ़ाओगे ना वापस। हाँ ये इसके अंदर से पुल लगाया जाता है ताकि ये ईजिली से इसके अंदर सॉफ्टली इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, अदरवाइज़ क्या होता है हार्ड होता है ये भी तो रबड़, हार्ड रबड़ होता है तो इसको जो है। और ये TPMS घर पे ट्राई मत करना, ये एक्सपर्ट से लगाना, जो होते हैं ना अपने एक्सटर्नल वाले वो आप जो है घर पे भी लगा सकते हो, तो ये आप ऐसे लोकल भी शॉप से मत लगाना चाहिए, देख लो ऐसे अपना आ जाएगा ठीक है, उसको आप कहीं से भी मंगवा सकते हो। और अगर आप यहाँ से लेते हो JK टायर से जो ये अपना CUG नगर है, यहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट वगैरह और जो प्राइस वगैरह वो मैं बता दूँगा क्या कुछ इतना पड़ता है, देख लो। ये टायर सेट हो गया, ये टायर हो गया, अब इसके अंदर जो है हवा फिल कर दी जाएगी सही। तो देखिए ये ऐप है, इसको हमने ओपन किया, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, कितना नंबर है तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ओके नोटिफिकेशन अनेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हो गया ये, इसमें क्या होगा। अच्छा अब इसमें प्लस करना पड़ेगा ना हमें, ये अगर एप्लीकेशन हम दूसरे मोबाइल में भी डाउनलोड करते हैं तो बिल्कुल, इसके अंदर आप इसके अंदर जो मेन इसके फ़ायदे हैं, आपने जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है उससे आप किसी के भी फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर लॉगिन कर सकते हो, तो कोई और गाड़ी चलाता है तो उसको भी दिख जाएगा। हाँ। और इसमें आप मल्टीपल व्हीकल भी ऐड कर सकते हो। ओके ठीक है, तो आपके घर में 2-3 गाड़ियाँ हैं सब में अगर आपने डाला तो जब भी आप जिस गाड़ी में बैठोगे उसका आपको वो शो कर देगा। ठीक है, यहाँ से हम ऐड TPMS करेंगे, अब जो इसके अंदर स्कैनर आएगा 1, 2, 3, 4 से करेंगे स्टार्ट ना। देखो ये स्कैनर है, ये स्कैन किया, ये हो गया स्कैन, इससे मैसेज वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास आ जाएगा। हाँ इसलिए अलाउ कराते हैं ना ये। हाँ जी ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा। ठीक है अब हम दूसरा डालेंगे, इसको सही से ये सेंसर जो है इसको सही तरीके से करना है हमें। ठीक है ये एक शो करने लग गया जो हमने सबसे पहले स्कैन किया था, इसमें कितना है 39 पहुंच गया, उसको हम कम करेंगे। ठीक है अभी देखते हैं हम इसको भी टेस्ट करेंगे। इसके अंदर एक और फीचर रहता है कि कभी आप इन फ्यूचर इसको टायर रोटेशन कराते हैं, तो अभी जो आपका टायर है आपने वो पीछे यहाँ पे करवा दिया, ये यहाँ करवा दिया, तो आपने जैसे इसको उठाना है और यहाँ ले आके आपने छोड़ देना है तो वो वाला टायर आपका यहाँ आ गया, तो इसमें हर चीज़ की कस्टमाइज हो जाता है। ये वापस हमने यहाँ डाल दिया, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाके आप कौन सा अलर्ट चाहिए, कैसी नोटिफिकेशन चाहिए, कितने इंटरवल में आपको अलर्ट चाहिए, वो सब आप यहाँ से सेटिंग्स में जाके डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड चाहिए, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो अब जो है अपनी चारों टायरों का ये सेट हो गया, हमने ये सेंसर, हाँ इधर वाले में डालने हैं थोड़े 2 पॉइंट, तो हमने ये भी चेक कर लिया है
कि कैसे कैसे जो है ये काम करा है, क्या हमारे जो टायर सेंसर लगे हुए हैं ये सारे सही है या नहीं, इसमें एक में थोड़ी ज़्यादा है, इसको निकलवा देंगे हम, और फिर इसका जो है व्हील अलाइनमेंट वगैरह और होगा, तो वो एक प्रोसेस आपको दिखा देंगे कैसे होता है। बट ये था पूरा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि TPMS कैसे इंस्टॉल होता है, कौन सा TPMS है, JK टायर का मैंने कहा हाँ इसके अंदर करो, आई नहीं है, हाँ हो गई, बहुत है बहुत। अब ये सारे तो हो गए, उसमें जो आगे वाला है ना उसमें थोड़ी सी और कम करनी है, अभी तक अपडेट नहीं हुई, थोड़ी सी और कम करनी है। ये सही है, हाँ ये तो सारे सही है, इसमें इसमें एक में 35 है, उधर वाले में लेफ्ट साइड में, हाँ आगे वाले में, तो ये देख रहे हो ये सारा आ गया, 34 हो गया। ये था पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया, अब इसका जो है यहाँ पे लाके इसका अलाइनमेंट वगैरह होगा। मैंने JK टायर्स के लगाए हैं TPMS इसके अंदर, और ये मेरे को पड़े हैं टोटल 500, हाँ इसमें थोड़ी सी निकालनी है मामूली सी, तो 500 मुझे जो है यहाँ पे इन्होंने मेरे से 2900 रुपये लिए हैं। आप भी इसको जो है अगर करवाना है तो आप करवा सकते हो, विजिट कर सकते हो यहाँ पे, बहुत है छोड़ो एक देखेंगे थोड़ी देर में पता चलेगा, इसके केप लगा दो। तो ये था वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, आपको भी करवाना है तो आप भी करवा सकते हो यहाँ पे, इनका जो है ये वीडियो देख के आ सकते हो, 2900 रुपये का आपको जो है 500 का पड़ेगा, 2900 रुपये उसके अंदर आपको जो ये जो है रबड़ वाले जो सेंसर के अंदर मिल जाते हैं, कई बार इसके अंदर स्टील का भी ऑप्शन आपको जो देते हैं ये सेंसर के अंदर वाला जो है, बट वो लूज हो जाता है। तो आप देखोगे ना, आप तो अब इसका जो है ये अलाइनमेंट वगैरह चेक कर रहे हैं, बैलेंसिंग वगैरह करेंगे पूरी इसके ऊपर, बैलेंसिंग कैसे करते हैं और करते हैं वो आप जो है वीडियो में देख सकते हो। और बाकी मैंने टायर को रोटेट वगैरह करवा लिया है, चारों टायरों को इसको इनके ये लगाते हैं इसके अंदर, और कंप्यूटर में देखते हैं कहाँ कम ज़्यादा है, और उसके हिसाब से जो वेट वगैरह है उसको एड ऑन। तो देखिए मैंने जो है अपना वो इंस्टॉल करवा लिया था TPMS। अब TPMS की कहानी ये है कि दो मोबाइल में आप जो इंस्टॉल कर सकते हो ऐप, मैंने इसमें भी ऐप इंस्टॉल कर रखी है, और जिस साथ में मेरे पास में मोबाइल है ये एंड्रॉयड है और ये एप्पल जो है अपना लगा हुआ है, दोनों में मैंने अपनी जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है। इसके अंदर भी आप देखोगे ना तो स्मार्ट टायर करके एप्लीकेशन अपनी जो है इंस्टॉल है, बट ये जो है ना एंड्रॉयड वाला मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा था, ये कुछ आ रहा है, और ये जो अभी कनेक्टेड है ये अपना एप्पल कारप्ले है, और यहाँ पे आप देखोगे ना एप्पल कारप्ले में ये अपना पूरा दिखाता है 34, 36, 35 ये दिखाता रहता है, और इसके अंदर ये सेम ही दिखाता है देख रहे हो। तो ये है एप्पल कारप्ले से यहाँ पे दिखा रहा है, एंड्रॉयड से भी यहाँ पे दिखाना चाहिए, बट उसके अंदर कुछ सेटिंग वगैरह करनी होगी और करनी होगी, तो वो सारा सिस्टम है। तो आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी अपना जो एप्लीकेशन देख सकते हो, इससे देख रहे हो आप जैसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपना एप्पल कारप्ले अपना जो है ये देखने को मिलता है, एप्पल कारप्ले में मैंने कनेक्ट कर लिया, एंड्रॉयड में मैंने कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो आप, तो मल्टीपल मोबाइल में भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो और कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।